नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अस्थमा से कैसे बचे, उसका क्या ट्रीटमेंट है, उससे कैसे बाहर आ सकते हैं। तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं अस्थमा के ट्रीटमेंट के बारे में तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है एलोपैथिक ट्रीटमेंट। तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट में किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, इस समस्या को मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि ब्रोंकी होल्स होते हैं, मतलब जब हम सांस लेते हैं नाक और मुंह से तो वो आगे जाती है और उसके बाद जहां से गैस एक्सचेंज होती है वो क्या थी, ब्रोंकी होल्स, है ना। तो ब्रोंकाई डायलेटर होता है। अब ये क्या होता है ब्रोंकाई डायलेटर, यानी पंप। आपने सुना है कि अस्थमेटिक जो पेशेंट्स होते हैं वो पंप का यूज करते हैं। जब हमें सांस लेने में दिक्कत आ रही होती है तो वो जो ब्रोंकी होल्स होते हैं उसका रास्ता बंद हो जाता है। हम ब्रोंकी डायलेटर लेते हैं तो उस दवा से वो थोड़ा सा फैलता है, वहां पे जगह मिलती है सांस लेने की और आप सांस प्रॉपर तरीके से ले पाते हैं। तो एक ट्रीटमेंट तो हो गया ये, लेकिन समस्या क्या है, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये थोड़े टाइम बाद वापस दोबारा इसका रास्ता बंद होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में समस्या, घबराहट होना, खांसी उठना जैसी समस्याओं का सामना एक व्यक्ति को करना पड़ता है। दूसरा ट्रीटमेंट देखने को क्या मिलता है कि डॉक्टर कुछ मेडिसिन देते हैं जो स्टेरॉइड्स होते हैं। अब स्टेरॉइड्स कितने खतरनाक हैं ये हम सब जानते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड्स क्या कर रहे हैं, आपकी समस्या को, यानी जो इन्फ्लामेशन आपके एयरवेज में हो रखी है, जो म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है, उसे ज़बरदस्ती दबा देंगे, सप्रेस कर देंगे। तो जब उन्हें दबा दिया जाता है तो वो क्या समस्या ख़त्म हुई, नहीं हुई, बस वो कुछ टाइम के लिए आपको आराम मिल गया। और जब आपको वो कुछ टाइम के लिए आराम मिलता है तो आप दवाई लेते रहते हैं, लेकिन ये स्टेरॉइड्स आपकी बॉडी में कितने ज़्यादा खतरनाक है और अलग अलग जगह जाकर क्या नुकसान पहुँचाते हैं, इसके बारे में हम सब वाकई है। तो स्टेरॉइड्स का जो सेवन है वो ज्यादा समय तक नहीं कर पाते हैं, डॉक्टर्स भी इवन मना कर देते हैं। तो जैसे ही आप दवाई छोड़ते हैं आपकी समस्या फिर दोबारा बढ़ जाती है, और अगर आप दवाई नहीं छोड़ते हैं तो कोई और नई समस्या आ जाती है। तो इन दो ट्रीटमेंट के बारे में हमने जाना। अब असल में इसका एक सही ट्रीटमेंट क्या है, ये आप पहले कुछ समझो कि समस्या किस वजह से हो रही है। हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से, इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसी मेडिसिन चाहिए जो हमारे इम्यून सिस्टम को मॉडरेट कर दे, यानी बैलेंस कर दे, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम समझ पाए कौन सी चीज़ें हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हैं और कौन सी नहीं है। क्योंकि अगर आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव नहीं होगा तो आपको ये जो नॉर्मल धुएं से या सेंट की खुशबू से या डस्ट से जो ट्रिगर हो जाती है प्रॉब्लम, ये नहीं होगी और आप नॉर्मल सांस ले पाएंगे। तो ऐसी मेडिसिन की अगर हम बात करें तो वो एलोपैथिक में तो नहीं है, वरना डॉक्टर दे रहे होते, लेकिन ऐसी दवा होम्योपैथिक मेडिसिन में अवेलेबल होती हैं। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो हमारे पास अपनी प्रॉब्लम के साथ आए थे और आज वो एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड सेकेंड थिंग, होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन अवेलेबल हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को मॉडरेट करती हैं, नॉर्मलाइज करती हैं और नॉर्मल कंडीशन में लेके आती हैं। इसीलिए होम्योपैथिक मेडिसिन को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए बेस्ट माना जाता है। फिर भी अगर आपके मन में अभी ये बातें सुन के कोई सवाल आ रहा हो, जो परेशान कर रहा हो, चाहे वो ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ हो, अगर आप उसका अभी के अभी आंसर चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स की टीम से बात कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट के माध्यम से अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। क्योंकि जब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो मैंने आपको डिटेल से बताया कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट में किस तरीके से इस प्रॉब्लम को ट्रीट किया जाता है और असल में इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए और वो किस में अवेलेबल है, ये भी मैंने बताया। लेकिन ध्यान रखें, होम्योपैथिक मेडिसिन में अक्सर हमें सुनने को ज़रूर मिलता है कि इसका जो रिजल्ट है वो स्लो होता है। जी हाँ, हम बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं कि थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन कारगर होता है। ये आपकी समस्या की जड़ पर जाकर काम करता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और इसी कारण से ज़्यादातर लोग होम्योपैथिक मेडिसिन लेना पसंद करते हैं और अपनी समस्या से निजात पाते हैं। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।